हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करूंगा कि आप सबने मिलके बहुत अच्छे से इस त्यौहार को बनाया। अगर तो हम सब इतने खुश हो जाते कि बस उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप भी बच्चे रहे होंगे तो आपको भी पता है उस टाइम पे कितना चाव रहता था कि भी चलो अभी पीटी होगी, परेड होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये झांकियां आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये झांकी आपको कैसे लगी? इसके बाद में मैं आपको हमारे गांव के जो सरपंच साहब है उनके द्वारा दिए गए भाषण को लिए सरकार 3 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। कोई के दिक्कत हो, कई लोग करा के भी आए हैं, और जो विधवा लेडीज है जो 60 से 75 साल है उसकी 500 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो उस कागज देने से 1000 रुपए हो जाएगी, और जो विधवा महिला 75 साल की है वो कागज देगी तो 1500 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। 75 साल का अगर कोई आदमी हो रहा है जिसकी तनख्वाह कम मिल रही है तो उसकी ज्यादा मिल सकती है। और शर्म विहार से जो आदमी जुड़ा हुआ है तो उसका बच्चा बढ़ता है तो उसके वो जो पैसे जो पड़ता है उसको पैसे मिल सकते हैं, जो इन्वेस्टर से संपर्क करे। और जिस शर्म विहार के जो मिला हुआ उसके शादी होती है तो 75,000 रुपए जो जो इमितर से संपर्क करके फार्म भरते हैं तो उसको 55,000 रुपए मिलते हैं। और जो विधवा महिला है उसके बच्चे अगर पढ़ते हैं उसको पेंशन मिलती है, तो विभाग से कागज बना के उसको तनख्वाह मिल सकती है। और जो 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 है मतलब ये है जो शादी करते हैं चयनित परिवार का है तो 10 से कम पढ़ा हुआ होता है तो 30,000 रुपए, और जिससे ज्यादा पढ़ा हुआ था बीए तक पढ़े होती है लड़की तो 50,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें सर्दी है 18 साल का लड़की और 21 साल का लड़का और आती है। अगर फार्म भराया जाता है तो हर संभव इसको राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। और इन्होंने ये कहा था भी इसमें जाता है तो पूरे काम पैसा गिरा दो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम एमएलए से मिलते हैं, प्रधान से मिलते हैं, प्रमुख से मिलते हैं, प्रमुख साहब ने अभी आश्वासन दिया कि आपको 10 लाख रुपए दे गांव का विकास करेंगे, एमपी साहब से मिलते हैं, वसुंधरा जी आएगी गांव में जिसमें कुल जो मकान नहीं है वसुंधरा से संपर्क करेंगे कि हमारे स्कूल में
कमरे की कमी है, अगर मैडम देगी तो आप बड़ी को क्या दिक्कत है, एक साथ सारा काम नहीं हो सकता, नाले बड़े हैं, खड़ूंदे बड़े हैं, ब्लॉक लगे हैं, सीसी रोड बना है, बांगवा अजीतपुरा सड़क मनपुटी कुछ रह रही है वो मन जाएगी, वाटर कुछ की चार दीवारी बनी है, अरे उस काम को क्यों नहीं देते है, जो तो काम हो रहा है उसको तो देते नहीं है, वो देते है कि इसमें खाता है, अरे तो खाता एक साथ कोई मिटाते ना क्या, अरे पैसे दे हम तो सब जगह मिटा देंगे, क्या दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है गांव के विकास में, तो ऐसी भ्रांति फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, हर संभव तैयार है, कोई निवेशता नहीं है, हर संभव कोई आता है, जो घंटा तैयार मिलते है और क्या हो सकता है, बेमतलब की बात से तो कोई पेट भरने वाला नहीं, कोई होता है सरपंच होगा सबका काम का होता है सरपंच, बेफालतू बात करते हैं तो कुछ नहीं बचने वाला, अच्छे लोग हैं, अच्छे समाज की तरह रहते हैं, पारिवारिक आदमी है, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, बढ़िया काम है जितना काम, तो हम तो पूरे काम का सम्मान करते हैं, हर संभव हो सकता है, कहीं से हमें कोई पैसा देता है हम समझाते हैं, एमपी साहब के पास जा गया, प्रमुख साहब के पास ये भी दो तीन दिन पहले मैं जाके आया था, सार्वजनिक तौर पे जो स्कूल है, संसार भूमि है, विद्यालय है, डांगर हॉस्पिटल है, सब में कुंडों का काम चल रहा है, पर्सनल जो भी काम होता है तो वो भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर संभव हमारे से बन सकता है, वो हर संभव आपके लिए तैयार है, और जो ये कमरों की कह रहे हैं तो 30% में कोई भामाशाह देना चाहता है तो सरकार के पास पैसे हैं, 30% कोई भामाशाह भरता है तो 70% सरकार जल्दी दे दे सकती है, क्यों पैसे अभी आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भामाशाह के पास हो, विकास कमेटी के पास हो, या कोई और देना चाहता हो, राज्य सरकार द्वारा हम मांग करेंगे कि हमारे स्कूल में कमरों की कमी है, तहसील में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, अध्यापक बढ़िया से पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल के तो अपनी जरूरत के लिए पढ़ाते हैं, ये अपनी जरूरत के लिए सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाते हैं, धन्यवाद के पात्र है, पैसे तो लेते हैं ये खूब लेते हैं बट पढ़ाते नहीं है, आपका काम अनुशीला करते हैं ये आप पढ़ाते हैं, ये धन्यवाद के पात्र है, इनको धन्यवाद देता हूँ पूरे गांव की ओर से, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय, आपने जो मुख्य बातें थी उनको अपने उद्बोधन में समेटा, कुल का निर्माण अब आवश्यकता की पूर्ति करना आपका फर्ज है, हो सकता है आपके बच्चे नहीं पढ़ते विश्वविद्यालय में, किसी गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए पंखे की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, ग्लोब की आवश्यकता है, साइकिल स्टैंड की आवश्यकता है, वो सारी चीजें इन बच्चों के लिए है और वो आप समय समय पर पूर्ति करते हैं, मांगे ज्यादा थी, हालांकि फर्नीचर हमारे पास जो बैठने के लिए है, पहले हमारे पास 250 बच्चों का फर्नीचर था, 100 सेट जनाब अनुमति के द्वारा हमें प्रदान किया गया था, 350 का हो गया, अब हमारे पास 460 का जो सेंटर है उसमें संत कबीर के बच्चे, बांगड़ स्कूल के बच्चे, सिद्धानपुरा के बच्चे उसमें रहेंगे, विद्यालय के बच्चों के लिए मिठाई की जो घोषणा है वो सरपंच महोदय के द्वारा कर दी गई है कि सभी बच्चों को कल
जो वीडियो पब्लिश करूँगा उनके बारे में मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो आप अपने आप ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अभी तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने नया चैनल बनाया है, अभी तक लोगों तक हमारे नए वीडियो जो है वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे और थोड़े थोड़े आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे हमारे वीडियो, तो फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में यार अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में जब क्वालिटी के जो वीडियो बनते हैं ना, उनका फिर मज़ा ही अलग आता है देखने का। आज के बस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।